15 पेटी अवैध शराब के साथ दो आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर मुखबिर की सूचना पर रात्रि गश्त के समय पुलिस ने गरौठा गांव से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 15 देसी शराब की पेटियां पुलिस ने जब्त की है और दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं। सब इंस्पेक्टर विनोद भार्गव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रात्रि गश्त के दौरान यह कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत धारा 34/2 का मुकदमा कायम और उन्हें न्यायालय पेश किया गया। इस कार्यवाही में मुख्य भूमिका इंचार्ज थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर नितिन भार्गव, सब इंस्पेक्टर विनोद भार्गव एवं एसएसआई नरेंद्र यादव, एसएसआई अरविंद यादव एवं आरक्षक रामनाथ रावत, मांगीलाल गुर्जर, भूपेंद्र सिंह देशराज गुर्जर की अहम भूमिका रही। सचिन राज भट्ट की खास रिपोर्ट। रात्रि गश्त के दौरान नौ चौराहे पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, ग्राम गरेठा में राजेश पाल एवं हेमराज लोधी अवैध रूप से शराब ले जा रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पर से मौके पर पहुंचकर आरोपी राजेश पाल एवं हेमराज लोधी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 15 पेटी जब्त की गई है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है, आरोपी गणों को जेआर पर पेश किया जाएगा, न्यायालय पेश किया जाएगा।